अगर आपने मेरा इसके प्रीवियस वाला वीडियो मिस कर दिया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है और यहाँ भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उसी की कंटिन्यूटी वाला वीडियो है जहाँ हम विंटर स्टफ के बारे में बात करने वाले हैं। सो ज्यादा लेट ना करते हुए लेट्स गेट ऑन द वीडियो। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम तीन अलग अलग पैटर्न के विंटर वेयर के बारे में बात करने वाले हैं, तो स्वेटर्स का रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं हाई नेक स्वेटशर्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो पहले उसका अनपैकिंग देख लेते हैं और फिर उसके रिव्यू। टाइट पैकिंग आई है, एकदम फुली पैक्ड है ये, और मैं इसे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेके सीजर्स या कटर से नहीं खोलूँगी, मैंने उसे हाथ से ही खोला है। और आप देख सकते हैं कितना टाइट है, मैंने इसे खींच के बाहर निकाले हैं ये तीन स्वेटशर्ट्स, एंड नाउ आई एम चेकिंग देम। और जैसे मैंने बताया था कि हमेशा चेक करना चाहिए, और उसके बाद करते हैं इसका रिव्यू। ओके, तो ये वो हाई नेक स्वेटशर्ट है जिसकी हमने अभी अनपैकिंग की, ये ग्रे कलर है, ये ब्लैक कलर है, और ये मस्टर्ड कलर है। देखिए कितना वाइब्रेंट और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही सोबर है। ये देखें इसकी लेसेस, क्वालिटी है, एकदम प्रीमियम कपड़ा है। ये इसका नेक है, अगर आप देख सकते हैं इसका नेक, इस तरह का हाई नेक है ये, बहुत ही कूल डिज़ाइन है इसकी नेक की। और अब मैं इसको खोलती हूँ। ये यहाँ पे इसका लोगो है, सब में वाइट के ऊपर ही बना हुआ है, साइज डबल एक्सल, और जैसा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही है। बहुत ज़्यादा हैवी वेट है ये, बहुत ही ज़्यादा हैवी है, विंटर के लिए परफेक्ट है ये। मतलब इसे पहनने के बाद तो ठंड शायद लगे ही ना आपको। यहाँ पर भी एक पैच है, लोगो है, और ये कैंगरू पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स के अंदर भी फ्लीस है। जैसा डिस्क्रिप्शन था बिल्कुल वैसा ही है, ये अंदर का मटेरियल फ्लीस है अगर आपको दिख रहा हो तो। और ये इस तरह का ये इसका लुक है, सारे ही इसी तरह के हैं ये ऐसा, और पीछे से प्लेन है, और बहुत हैवी है। मैं आपको उसका वेट भी ज़रूर बताऊंगी कि कितना हैवी है, 600+ ग्राम्स है ये। सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट है ये। तो अनपैकिंग आपने देख ली, किस तरह की पैकिंग आई थी, किस तरह की पैकेजिंग आई थी, थोड़ी सी हैंडल वर्ड केयर वाली पैकेजिंग है, हमेशा बहुत ही ध्यान से पैकेज करना चाहिए क्योंकि आपका अंदर का प्रोडक्ट जो है वो कहीं डैमेज ना हो। और उसकी रिव्यू भी मैंने आपको कर दी है, फैब्रिक वगैरह की डिटेल्स भी मैंने आपको दे दी है, बस आप पिक देख लीजिए। और ये मैं बता देती हूँ आपको कि सेम एज इट इज़ पिक आया है, कलर्स भी बिल्कुल सेम आए हैं, कोई वेरिएशन नहीं है। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि ये प्रीमियम कलेक्शन है, ये अलग तरह का कलेक्शन है, ये जो नॉर्मल कैजुअल वेयर्स के कलेक्शन आ रहे हैं वो नहीं है, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव है, और ये सिर्फ मेरे पेज पे अवेलेबल है। और मेरे पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। ये मस्टर्ड कलर था, ये ब्लैक कलर है, और ये ग्रे कलर है, सेम एज इट इज पिक है। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं इन कपड़ों को मार्क्स ना दूँ क्योंकि ये इतने हाई क्वालिटी के आए हैं कि रिव्यू के बाद और देखने के, मतलब आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छे हैं। बट फिर भी एज हमारा वीडियो का फॉर्मेट है, सो आई हैव टू डू दिस। सो मेरे हिसाब से फॉर फैब्रिक, फॉर स्टाइलिंग, फॉर विंटर वेयर आई विल गिव 10 out of 10। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं। ये विंटर कलेक्शन का जो मैं तीन अलग अलग पैटर्न के बारे में बात कर रही थी उसका सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह के स्वेटर्स के बारे में बात की थी, ये हाई नेक स्वेटशर्ट है। और एक और वीडियो बाकी है जिसमें मैं टी शर्ट कम स्वेटशर्ट के बारे में आपको बताने वाली हूँ, उसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग,
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर बजा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। हैप्पी शॉपिंग, कीप स्माइलिंग।